तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप किसी का लाइव लोकेशन अपने मोबाइल में कैसे ट्रैक करोगे। मान लीजिए आपके दोस्त हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपको कहीं भी जाती है ना बताते, कहीं भी निकल जाती है, बाद में वो जब बताती है आपको कि कहीं नहीं गए थे, तो फ्रेंड उसीलिए आपको आप अपने मोबाइल से उसका लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं वो बिल्कुल आसानी से, और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड उसके लिए आपको करना होगा क्या, जिस मोबाइल को आप ट्रैक करनी चाहती है उसका मोबाइल आपको हाथ में एक मिनट के लिए लेना होगा। लेने के लिए फ्रेंड उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स बदलाव करनी है, आपको गूगल मैप में जाना होगा। गूगल मैप में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा फ्रेंड, तो आपको करना क्या, ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इसमें आपको करना होगा क्या, आपको ईमेल की आइकॉन नज़र आएगा, ईमेल की आइकॉन में आपको एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ्रेंड आपको इस तरह कुछ सेटिंग्स मिल जाएगा। सेटिंग्स में आपको इसमें लिखा होगा लोकेशन शेयरिंग, इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको कुछ बदलाव करनी है फ्रेंड, आपको गेट स्टार्ट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसी तरह आपको इंटरफेस आएगा। आप फ्रेंड आपको देख पा रही है इस लोकेशन को आप कितना वक्त कितने घंटे के लिए आप ट्रैक करोगी, इसमें लिखा आएगा एक घंटे दो घंटे प्लस करके आप कितने भी सारा दिन पूरे दिन या अनलिमिटेड बार इसको ट्रैक करने के लिए आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से मोर ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अपने नंबर डाल देना है इसमें। चलिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद फ्रेंड आप इस नंबर में अब इसे सेंड कर देना है उस लोकेशन को। चलिए मैं सेंड कर दिया अपने नंबर में इस लोकेशन को, सेंड में क्लिक कर दिया। अब एक मैसेज के द्वारा इस लोकेशन मेरे मोबाइल में चला गया फ्रेंड। थोड़ा लोडिंग होगा, होने दीजिएगा। तो इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तो फ्रेंड देख पा रही है आप मैसेज में एक लिंक आ गया है। चलिए मैं सेंड कर देता हूँ इस लोकेशन के, इस लिंक को हम सेंड कर दिया अपने मोबाइल पे। फ्रेंड सेंड करने के बाद आप जाते हैं मेरे अपने मोबाइल पे। तो फ्रेंड उससे पहले इस नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। मैप का या फिर इन्फो में टैप करिए, होल्ड करके रखने के बाद या फिर इन्फो आएगा उसमें क्लिक कर दीजिए। तो इसका जो नीचे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए क्योंकि उससे नोटिफिकेशन ना मिले। अगर मैं ट्रैक करूँ भी उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए इसको ऑफ कर देना है। अगर आपका ऑन रहे तो उसे ऑफ कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी जिस मोबाइल पर हम सेट किया है उस मोबाइल पर चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब जाते हैं जो उसका मोबाइल, वो मोबाइल से मैंने एक लिंक को सेंड किया SMS के द्वारा, तो उस लिंक को हम ओपन करते हैं। उसमें लिया SMS में जाएंगे। SMS में जाने के लिए फ्रेंड देखिए इस लिंक को हम सेंड किया है दूसरे मोबाइल से, तो इसमें आ गया है। तो इस लिंक को डायरेक्ट हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए इसमें लिखा है ब्राउज़र, ब्राउज़र में जाते हैं। ऑटोमेटिक गूगल मैप ओपन हो जाएगी, तब तक होने दीजिए। आप फ्रेंड इसे आसानी से हम उसे ट्रैक कर पाएंगे वो अभी तक कहाँ पे है और क्या कर रही है, आप पूरा इसमें हम इन्फॉर्मेशन पा जाएंगे। तो फ्रेंड देख पा रही हो मैंने एक शॉप से किया है, इसीलिए शॉप का ही लोकेशन दिखाएगा, मतलब मेरा जो नेट पॉइंट है उसी से मैंने इस वीडियो का शूट कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं फ्रेंड इसमें दो दिखाएगा। इसमें फ्रेंड इसी तरह आप उसका लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक ठोक देना है, और फ्रेंड इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ऑन करने के बाद ऑल बटन में क्लिक जरूर कर देना। अगले वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।